सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टिकल टेक्स्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि लड़की की बातों पे ध्यान मत दो। बंटी सही बोल रहा था, हमें एक मिनट तक हैंड वॉश कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नाविक, जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ GPS सिस्टम है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर USA का बनाया हुआ GPS सिस्टम ऑलरेडी था तो भला नाविक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये बात मई 1999 की है, जब इंडिया में कारगिल वॉर चल रही थी। तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट US गवर्नमेंट के पास गई थी हेल्प मांगने, ताकि वो अपने GPS का डेटा हमें प्रोवाइड कर दे और हम कारगिल में अपनी एरिया को ट्रेस कर पाएँ। बट उस टाइम पे US गवर्नमेंट ने डेटा प्रोवाइड करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए इंडिया वालों ने ठान लिया था कि वो अपना एक खुद का GPS सिस्टम ज़रूर बनाएंगे। तो काफ़ी सालों की मेहनत के बाद फाइनली इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, जिसका नाम है नाविक। नाविक का जो फुल फॉर्म है वो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। जैसे कि GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वैसे ही नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जो फ़िलहाल सिर्फ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास तक के लिए ही अवेलेबल है। तो नाविक का जो पहले नाम था वो था IRNSS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे इस्टेब्लिश करने के लिए इसरो ने 7 अलग अलग सैटेलाइट्स भेजी थी स्पेस में, जो कि इंडिया के ऊपर है, जहाँ से अगर कोई भी डिवाइस जिसमें नाविक का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो इस सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और जो जियो पोजिशनिंग, जो जियो लोकेशन होगी वो हेल्प करने में मदद करेगा। तो इसरो ने पहली सैटेलाइट 2013 में भेजी थी स्पेस में, और उसके बाद से 7 अलग अलग सैटेलाइट भेजी थी। तो अब जाके काम कम्प्लीटली फंक्शनिंग हुआ है। तो अगर हम आपको सच्चाई बताएं तो 7 नहीं 9 भेजी थी, उसमें से 2 ने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया है। तो अगर बात की जाए GPS के कंपैरिजन में इसके क्या फ़ायदे हैं, तो जो GPS है वो थोड़ा स्लो है, उतना एक्यूरेट नहीं है, उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 20 मीटर है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अगर हम गूगल मैप्स को ज़्यादा सीरियसली ले लें तो क्या होता है। तो अगर बात की जाए नाविक की, तो GPS के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बना है, और जो उसका एक्यूरेसी लेवल है वो भी 5 से 10 मीटर का है। और जो नाविक की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो इसरो ने डेवलप किया है, वो इंडिया का खुद का बनाया हुआ GPS सिस्टम है। तो अगर बात की जाए नाविक वर्क कैसे करेगा, तो इसके लिए हमें एक एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स के साथ ही होगा। वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और हमारी जियो पोजिशनिंग और जियो लोकेशन को ट्रेस करने में हेल्प करेगा। तो अगर बात की जाए हमें किन किन स्मार्टफोन्स में फ़ीचर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, तो Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro में हमें फ़ीचर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही फ़ोन्स आते हैं स्नैपड्रैगन 720G के साथ, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट चिपसेट है, और लेटेस्ट चिपसेट है इसीलिए हमें इसमें एडिशनल हार्डवेयर भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमें किन किन SoCs में ये एडिशनल हार्डवेयर देखने के लिए मिलेगा, तो हमें स्नैपड्रैगन 720G, 765G, 662, 460 में ये एडिशनल हार्डवेयर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सारी ही लेटेस्ट चिपसेट हैं और इसीलिए इसमें ये एडिशनल हार्डवेयर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर बात की जाए स्नैपड्रैगन 865 में, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, उसमें हमें नाविक का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो चिपसेट रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे नाविक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए क्वालकॉम ने उसमें एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर दिया था और उसमें वो अपडेट के थ्रू इस फीचर को प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर बात की जाए पुराने फ़ोन्स के बारे में, उसमें हमें फ़ीचर देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जो पुराने स्मार्टफोन्स की चिपसेट है उसमें हमें कोई हार्डवेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और उसमें अपडेट के थ्रू भी ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ स्नैपड्रैगन 865 में पॉसिबल है, क्योंकि उसमें उन्होंने हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर दिया था जिसमें वो एक अपडेट के थ्रू इस फीचर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दैट आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।